और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारी आवास एक करने मार्ग में एनडीए की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की गई और इसमें नीतीश कुमार ने 2025 में एनडीए के लिए 225 का टारगेट सेट कर दिया है। सीएम ने एनडीए नेताओं से कहा कि लोगों के बीच सरकार के काम को बताएं। बिहार में फिलहाल हलचल है 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की, लेकिन नीतीश कुमार जुट गए हैं 2025 के चुनाव की तैयारियों में। यही वजह है कि पटना में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। सभी घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार ने 2025 के लिए 225 सीट जीतने का लक्ष्य सेट कर दिया। 225 के इस बार पार जाने। मुख्यमंत्री आवास पर करीब 2 घंटे तक एनडीए का मंथन चला और इस मीटिंग में गिरिराज सिंह भी शामिल हुए, जो पिछले दिनों हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर चर्चा में थे, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी नेताओं में बयानबाजी भी हुई थी। लेकिन मीटिंग में 2025 के विधानसभा चुनाव में साफ किया गया कि अगले चुनाव में भी एनडीए नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगा और नीतीश ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। वो अब रियल बिहार का जो एक टाइम आ गया, जो हम लोग बोलते हैं कि जो बिहार अब बड़ा छलांग लगाने वाला अगले 5 साल में। मीटिंग में नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, साथ ही नेताओं को निर्देश दिया कि वो मुस्लिमों को सरकार के काम बताएं और सचेत करें कि यदि आरजेडी आया तो दंगा फसाद करेगा। एजेंडा विकास का है और विकास के एजेंडा में कहा कि अब कोई गुंडागर्दी भी नहीं करेगा, विकास भी होगा, नौकरी भी देंगे। मीटिंग में बिहार एनडीए के सभी सांसदों, विधायकों और प्रमुख नेताओं को बुलाया गया था और 2025 के लिए मिशन 225 का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया। पंचायत से लेकर विधानसभा स्तर तक एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। एक साथ लोगों से संपर्क करेंगे और सभी स्तर पर मीटिंग होगी। मीटिंग में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता पहुंचे, लेकिन पशुपति पारस को बैठक में शामिल होने का न्योता नहीं मिला था। खैर, इस बैठक ने ये साफ कर दिया है कि 2025 के लिए एनडीए का कुनबा तैयार है और टारगेट है 225 का। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एनडीए की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कुछ नेताओं की ओर से इशारा करते हुए ये कहा कि मैं इन्हीं लोगों के चलते 2 बार आरजेडी में गया, 2 बार आरजेडी के साथ जाकर मैंने गलती की है, अब नहीं करूंगा, मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। किसके कहने पर नीतीश आरजेडी के साथ गए थे, किन नेताओं की ओर नीतीश ने किया इशारा? पटना में मुख्यमंत्री आवास पर हुई एनडीए की बैठक के बाद ये सवाल बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गए हैं। दरअसल 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर एनडीए की बैठक हुई। बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता शामिल थे। नीतीश कुमार के अगल बगल में विजेंद्र यादव, ललन सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल और संजय झा समेत कई वरिष्ठ नेता बैठे थे। तभी सीएम नीतीश कुमार ने कुछ नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं इन्हीं लोगों के चलते 2 बार आरजेडी में गया, 2 बार आरजेडी के साथ जाकर मैंने गलती की, लेकिन अब नहीं, मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि आखिर वो कौन कौन नेता हैं जिनके कहने पर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए। वैसे जो जानकार सत्ता के गलियारे में नजर रखते हैं वो तो समझ गए होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने आज भी नाम नहीं खोला, पर राज तो बता ही दिया। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने एनडीए की बैठक पर निशाना साधा है। मीसा भारती ने पूछा कि क्या बैठक में जितने घटक दल थे वो सब आए थे, क्या बैठक में मांझी और चिराग पासवान आए थे, जब सीनियर नेता ही नहीं आए तो ये किस तरह की बैठक हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। मीसा भारती ने बैठक को अधूरा बता दिया है। तो एनडीए, क्या एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सारे दल के नेता वहाँ आए थे, उनको छोड़ करके चिराग पासवान थे वहाँ पे मौजूद? नहीं, चिराग के पार्टी से थे। मतलब कौन थे? तो जब सीनियर नेता ही नहीं हुए तो एनडीए की ये किस तरह की बैठक थी?
मतलब मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और एनडीए के घटक के नेता ही अगर नहीं पहुंचे हैं तो ये किस तरह की शुरुआत हुई है? तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने में। जिन्होंने एनडीए की बैठक बुलाई और बैठक में जो नेता उपस्थित होने चाहिए थे उस स्तर के नेता वहाँ उपस्थित नहीं थे, जो चुनाव को लेकर के, अगर खास तौर पे ये बैठक चुनाव को लेकर बुलाई गई थी तो वो मुझे लगता है कि अधूरी रह गई वो बात।